हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं, जुनेद अकरम, इनका गंजी गंजी स्वैग स्वैग। की वीडियो है जिसका अच्छा टाइटल है मोदीज विजिट टू अमेरिका। अच्छा मोदी का विजिट टू अमेरिका, ये अभी हुआ टिकटॉक है, पे। हाँ अभी ने हुआ है, कुछ टाइम पहले हाँ हुआ है। कुछ तो दिन मैंने पहले की इसकी बात है। कुछ वीडियोस देखी थी, टिकटॉक पे देखी थी, क्योंकि पाकिस्तान में तो टिकटॉक चलता है, आप लोगों के पास नहीं चलता है इंडिया में। तो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी थी कि वहाँ पर जब मोदी गया है ना, स्पीच अब की तो थी, स्पीच मैंने नहीं सुनी, नहीं स्पीच मैंने सुनी नहीं तो नहीं, सुनी, नहीं नहीं ना मुझे पता कि उसने क्या बोला है। बट मैंने ये चीज़ देखी थी, जब उसने एंट्री मारी है ना, तो पूरा का पूरा हॉल जो था, पूरा फ्लोर, सारे लोग एक बार खड़े हो गए, हाँ तालियां बजा बेसिकली रहे थे, ये मिल जो रहे होता थे। है, एक पर्सन को ये रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती, वो इंडिया को रिस्पेक्ट दे रही बेसिकली है। इंडिया को ही हाँ मिली है ना। एक टाइम था कि इंडिया में बैन था, ये बंदा इंडिया में बैन, सॉरी इंडिया में कह रहा हूँ, अमेरिका में ये बंदा बैन था, कौन? मोदी के लिए बैन, मोदी बैन था अमेरिका में, अच्छा, आई डोंट नो, मुझे इस बारे में इसके कोई नॉलेज इसके नहीं है। हाँ इसके लिए स्पेशल था कि ये बंदा अमेरिका में विजिट नहीं कर सकता, नहीं जा सकता। और उस बंदे ने अपना लॉ ऐसे मनवाया है कि जब गया है तो फिर पूरा एक बार फ्लोर खड़ा हुआ। हो सकता है जुनेद अकरम भी इसके बारे में बात करे। खैर, इस रियल वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या हाल है भैया? जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा कामयाब दौरा रहा अमेरिका का, और काफी सारी डील्स भी साइन की गई। वो क्या थी और क्या मामला ठहरे, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन उससे पहले जो बड़ा जरूरी पॉइंट है जानने का, वो है सिम्बोलिज्म, अलामात। एक सिम्बोलिज्म ये होती है कि आपका प्राइम मिनिस्टर किसी और मुल्क में गया है, वहां का प्राइम मिनिस्टर आपको एयरपोर्ट अगर लेने आए, हम मनसब यानी सेम लेवल का बंदा, सेम लेवल। इसका मतलब कि दोस्ती अच्छी है और रिश्ता अच्छा है कि खुद प्राइम मिनिस्टर चल के लेने आया। लेकिन अगर वो कल्ली वल्ली अपने मेयर को आगे भेजे, जाबे लेकर आ उसको, यार टेंशन है, दिमाग खाता है, पैसे लेने आया, इसका मतलब वो आपकी इज्जत नहीं करते या फिर आपसे मामला अच्छे नहीं है। जिस तरह हमने देखा इमरान खान साहब खुद गाड़ी चला के अपने दौर में MBS को इस्लामाबाद रिसीव उन्होंने किया, लेकर आए, तो एक दोस्ती की सिम्बोलिज्म दुनिया को एक मैसेज पहुंचा। इसी तरह चाइनीज भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिम्बोलिज्म से खेलते हैं। उसका नाम है पैंडा डिप्लोमेसी, यानी कि दुनिया में जितने भी पैंडाज हैं वो गवर्नमेंट ऑफ चाइना की प्रॉपर्टी है, और चाइना ने अगर किसी से अच्छी दोस्ती लगानी हो या रिश्ते आगे करने हो, तो अपना पैंडा बस समेत उसकी टीम, जो कि उसकी नशोनुमा करती है, उस मुल्क में भेज देती है। और अगर चाइना किसी मुल्क से नाराज हो जाए, तो जिस तरह दूसरे मुल्क अपना सफीर यानी अपना एम्बेसडर वापस रिकॉल करते हैं, चाइना अपने पैंडास रिकॉल कर लेते हैं। तो इसको हाँ, कहते हैं पैंडा डिप्लोमेसी। तो खैर, इन मामलों में, भाई सफारती मामलों में सिंबोलिज्म का बड़ा रोल होता है। तो इंफॉर्मेशन आइए होती है चलते काफी हैं इस इस बंदे के बारे में। दौरे की तरफ कि इसमें सिंबोलिज्म कहां दिखाई गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेट डिनर, मोदी साहब को स्टेट डिनर दिया गया, और एक बहुत बड़ी बात, और दुनिया के हर लीडर को स्टेट डिनर नहीं दिया जाता, सिर्फ इंपॉर्टेंट लीडर्स को दिया जाता है। लेकिन उससे ज्यादा अमेरिकन ज्वाइंट सेशन ऑफ कांग्रेस, ये वो जगह है जहां पे नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार स्पीच दी, और दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लीडर्स हैं जिनको सेकेंड टाइम, इससे पहले भी हुआ, गया होगा ना, जाहिर है, जो दो टाइम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हाँ, दो दो बार बार स्पीच करने का मौका मिला हो। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इंडिया को काफी साल रूल किया, उनको भी ये मौका दो बार नहीं मिला। नेल्सन मंडेला ने दो बार स्पीच दी, विंस्टन चर्चिल ने दो बार स्पीच दी। तो ये बहुत बड़ी सिम्बोलिज्म थी कि अमेरिका नरेंद्र मोदी को किस तरह देखता है और वो उन रिश्तों को कहां तक लेके जाना चाह रहे हैं। अब रही बात के कौन कौन सी डील साइन हुई, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी जनरल इलेक्ट्रिक की फाइटर जेट्स के इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ शेयर होने जा रही है। देखें इसको इस तरह समझे कि दुनिया में देर आर मोर कंट्रीज जिनको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना आता है या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बम बनाना आता है, बट लेस कंट्रीज जिनको फाइटर जेट्स का इंजन बनाना आता है। तो ये एक बहुत बड़ा राज अमेरिका इंडिया के साथ शेयर करने जा रहा है, और जनरल इलेक्ट्रिक को डायरेक्ट किया गया है, US गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत दी गई है कि आप ये टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर करें। यानी कि हम जो अमेरिका से फाइटर जहाज खरीदते थे इंडिया के खिलाफ यूज करने के लिए, आज उन्हीं जहाज के इंजन उसी इंडिया में बन रहे होंगे। तो ये अमेरिका ने हमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाया, क्यों पहुंचाया, वीडियो के एंड में आते हैं। उसके बाद माइक्रोन चिप्स की एक बहुत बड़ी डील हुई। सेमीकंडक्टर्स की दुनिया है, और आज आपकी कोई भी प्रोडक्ट, चाहे आपकी गाड़ी हो, आपके फोन हो, सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स के बगैर वो नहीं चल सकते। और आने वाले दिनों में जिन मुल्कों के पास उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एक्सपर्टीज, उसकी प्रोडक्शन मौजूद होगी, वही दुनिया पे कामयाब होंगे। तो ये माइक्रोन की डील भी इंडिया के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। साथ ही साथ इलॉन मस्क के साथ नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई, और इलॉन मस्क ने तो ट्वीट भी की, उनको तो बड़ा मजा भी आया। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ महीनों में टेस्ला शायद अपना कोई प्लांट अनाउंस करे इंडिया में। इनफैक्ट कर्नाटका की गवर्नमेंट ने तो बोला है कि आप हमारे यहाँ लगाएं ताकि हमारे लोगों को जॉब्स मिले। और ये सिर्फ टेस्ला
इंडियन बायर्स के लिए नहीं होगी, ये वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए भी होगी। यानी कि टेस्ला शायद ये चाहे उनका एक फुटप्रिंट साउथ एशिया में मौजूद हो ताकि वो उनकी वहां से तरसील आसान हो जाए, कॉस्ट कम हो जाए और ज्यादा ज्यादा मार्केट तक टेस्ला को एक्सेस मिल जाए। और फिर फ्रेंडशिप की सीमेंटिंग बड़ी हुई, काफी इस तरह की स्टेटमेंट्स दी गई जहां पे ये तासुर नजर आया कि ये एक बहुत बड़ा रिश्ता होने जा रहा है और बड़ा सीमेंटेड रिलेशनशिप होने जा रही है, जहां पे नरेंद्र मोदी ने ये तक कहा कि मैं भारत और अमेरिका के झंडे को एक साथ ऊंचा जाते हुए देख रहा हूं, यानी कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ ये जा रहे हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो इन दोनों मुल्कों के लीडर्स ने जॉइंट स्टेटमेंट जो पाकिस्तान के लिए दी वो उन्हीं मामलात में दी जिसमें पाकिस्तान सफर कर रहा है, वो है टेररिज्म, जैसा कि लश्कर ए तैयबा और उस तरह की दूसरी बैंड आउटफिट्स के खिलाफ स्टेटमेंट दी गई और पठानकोट और प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर है। लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आती, सारा टेररिज्म हमारे ऊपर अप्लाई हुआ है, सारा का सारा नुकसान हमारा हो रहा है। जो मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान जो है वो खुद अपने ओन पे जो है वो खराब होगा, तबाह होगा। हाँ, वो मैं वो भी बताता हूँ। मुंबई हमलों के कंस्पिरेटर्स के खिलाफ एक्शन लेने की अपील दी गई। अब ये सारी सिंबोलिज्म या फिर इस तरह की स्टेटमेंट जो पाकिस्तान के लिए दी गई, क्या ये उस नाराजगी का हिस्सा है कि पाकिस्तान अब शायद एक नए ब्लॉक में जाना चाह रहा है जहां पे हम देखते हैं कि रशियन वेसल से हम ऑयल ले रहे हैं, अजरबैजान से गैस की डील हो रही है, ईरान से भी मामला अच्छे होते दिख रहे हैं, तो क्या अमेरिका उसकी सजा हमें इस तरह दे रहा है? देयर इज नो डिनाइंग कि इंडिया में पहले भी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, वो बहुत आगे हैं, मगर स्टेट लेवल पे इतने बड़े राज, यानी कि जेट इंजन की टेक्नोलॉजी शेयरिंग एक बहुत बड़ी बात है, तो क्या अमेरिका हमें रशियन ब्लॉक की तरफ जाने की सजा दे रहा है? कमेंट्स में जरूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। ये तो है कि नो डाउट अमेरिका तो बहुत अपॉर्चुनिस्ट है, उसको जो लगता है। अभी मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कंट्री, एक टाइम पे पाकिस्तान बहुत ज्यादा था उसके लिए, तो पाकिस्तान इज द एलाई कंट्री और पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान की तारीफें बहुत होती थी। हाँ, ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन जो जो वैल्यू वो इस टाइम पे इंडिया को दे रहा है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। दूसरी बात ये की जो है अब क्योंकि शिफ्ट हो गए ना, वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है बेसिकली। अब अमेरिका अकेले सुपर पावर ज्यादा टाइम तक टिक नहीं सकता, न्यू ब्लॉक्स बन रहे हैं, जाहिर सी बात है। अब क्योंकि पाकिस्तान का अपना भी जो शिफ्ट है ना, वो अब जा रहा है कि पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, सऊदीया, मतलब ईरान के साथ पाकिस्तान की दोबारा से जो है वो ट्रेड शुरू हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप है। इवन के अमेरिका इससे बहुत ज्यादा दर्द पड़ेगा, अमेरिका को तो बहुत ज्यादा दर्द पड़ेगा। गैस आएगी ना, सीधी गैस आएगी, ऑयल आएगा, ये इस तरह की चीजें आएंगी। तो ऑयल आ रहा है अब हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइस पे। और दूसरा क्या नाम है, ग्वादर में अब दूसरा वो अपनी कोई लगा रहे हैं, सऊदीया लगा रहे हैं इन्वेस्टमेंट कर। अच्छा, वो जो मोदी वाली तुम बात कर रही थी ना कि उसने कुछ बोला था, उसने ये बोला था कि हमने अब अपने मुल्क को ना, दुनिया के साथ हमारी रेस है, हमने दुनिया से आगे निकलना है, बहुत टाइम हो गया हमने इंडिया पाकिस्तान करते हुए अपना टाइम गवा दिया, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा। हाँ, तो सही बात है ये, लेकिन मरेगा नहीं। मैं तो पहली वाली बात पे बोल रही हूँ कि हाँ वो टाइम गुजर गया कि लड़ाई झगड़े मैं हम लोग देख, हम आम लोग अभी भी कहते हैं कि लड़ाई झगड़े तो होने ही नहीं चाहिए। ये जो इन चीजों पे पैसा लगता है, ये फाइटर जेट्स यार, यहाँ तक के मैंने ये सुना है कि तकरीबन 1 करोड़ या 1 करोड़ से 7 करोड़ रुपए के बीच में एक मिसाइल होता है जो हमारे फाइटर जेट के अंदर लगता है, जो लेके जाता है, फाइटर जेट है 1 करोड़ से, छोटे मिसाइल की बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ फाइटर जेट पे होते हैं उनकी। लेकिन उसके अंदर जो एक मिसाइल लगता है, और एक एक प्लेन 12-12, 14-14 मिसाइल लेके जाते हैं, जाके फेंक के आ जाते हैं। तो अगर 1 करोड़ के अंदर एक पूरा हॉस्पिटल बन सकता है, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल सा हॉस्पिटल बन सकता है जिसमें अच्छे काम हो सकते हैं, स्कूल बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन नहीं करना ना। लेकिन अभी यही बात है कि, और एक मजे की रिपोर्ट, अभी मैं न्यू रिपोर्ट आई है पढ़ रही थी कि 2075 तक जो इंडिया है वो अमेरिका को भी इकॉनमी में पीछे छोड़ जाएगा और सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बनेगा। ऑब्वियसली फर्स्ट तो चाइना ही रहेगा, क्योंकि चाइना की स्पीड बहुत ज्यादा है इसमें, ग्रोथ में ग्रोथ है। तो अभी फिर अमेरिका को, अमेरिका यार बहुत मतलब परस्त मुल्क है वो, अगर इंडिया के साथ अभी है वो रहे हाँ, तो उसको भी मतलब चाहिए, चाइना को भी अपना मफाद चाहिए अगर चाइना पाकिस्तान के साथ है। खैर, ये सारे इसी तरह से कंट्रीज वीडियो, अगर आप लोग स्टिल हमारे साथ तो बहुत सारे फोरम पर खड़ा भी होता है, जहाँ पे चलो उसका कोई फायदा नहीं भी होता, वो हमारे लिए स्टैंड लेता है, FATF हो गया, बहुत सारी ऐसी जगहों पे उसको पाकिस्तान का स्टैंड लिया, क्योंकि वो एक दोस्ती है। तो
है जैसी भी है, हाँ बस चल रही है। खैर वीडियो अच्छी थी, अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी तो प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताना। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।